वो नमानी एंड सन्स वाली डील का क्या हुआ, बात आगे बढ़ी? हाँ भाई, नहीं वो बस मोल भाव चल रहा है, फ्लेक्स ही जल्दी अपडेट मिल जाएगा। मोल भाव किस बात की? उन्हें साफ साफ कह दो कि हमने उन्हें जो कीमत बताई है वो उन्हें देना पड़ेगा, हमारी क्वालिटी भी तो सबसे बेस्ट है। हाँ, मोहित मुझे बता रहा था इस डील के बारे में, काफी बड़ा ऑर्डर है। और सुनो, अगर कीमत में थोड़ी कटौती भी हो जाए ना तब भी फायदा हो, वरना नागपुर में संतरे के व्यापारियों की कमी नहीं है, अगर ग्राहक कहीं और चले गए तब क्या होगा बताओ? नहीं ओमी काका, जब हम क्वालिटी में समझौता नहीं कर रहे तो हम कीमत में क्यों करेंगे? हो सकता है कि वो हमारी बात ना माने और हमें थोड़ा सा नुकसान हो, लेकिन अगर हम उनकी बात मान के उनके आगे झुक गए तो हमें आगे चल के बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमने मार्केट में इतनी मेहनत और अपनी क्वालिटी के दम पे अपना नाम कमाया है, तो उन्हें इस नाम का दाम तो देना ही होगा ना। एग्जैक्टली बाबा, आई थिंक वहीनी बिल्कुल सही कह रही है। मस्त मस्त पत्र लिखा, एकदम 100% बरोबर बोलिस। कमाल है, इतने साल अपनी एड़िया घिस घिस के मैंने इस बिजनेस को खड़ा किया है, अब ये ज्ञान देंगे हम कि बिजनेस कैसे चलाते हैं? ज्ञान अगर सही है तो ले लेना चाहिए, और पत्रलेखा सही ही तो कह रही है, थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना ये कहाँ की समझदारी है। मैं खाने की तैयारी करती हूँ। मोहित पाई, मुझे भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन बनाने में निकलता हूँ। अरे खाऊं जा। असुदे रावदे, क्या हो गया है आपको? हाँ, क्यों इतनी चिड़मची हुई है? आपने बिजनेस धंधा व्यापार से रिटायरमेंट ले ली है ना, तो पत्र लिखा और मोहित को अपना काम संभालने दो, अच्छे से संभाल रहे हैं वो। आपको हर बात में ना ऐसे टिप्पणी देने की कोई जरूरत नहीं है। इतने सालों से मैं ही संभाल रहा था ना ये बिजनेस, अगर मेरी सलाह मान लेती तो क्या जाता उसका बताओ? ओमी, तुम भी कहां पत्र लेखा की सलाह मानते हो? हाँ, वो जब तुम्हें कहती है कि स्वस्थ आहार का सेवन करो, करते हो? अरे बीपी कितना बढ़ गया है तुम्हारा, तुम्हें अपना ख्याल नहीं रखना चाहिए। अक्ति बरोबर है वहीनी। अरे ये मेरी बात नहीं मानते, पत्र लेखा की बात मानेंगे, छोड़ दीजिए। वैसे मानना पड़ेगा, पत्र लेखा ने गृहस्थी और कारोबार बहुत अच्छे से संभाला है, मुझे तो उसके सारे फैसलों पर भरोसा है। जब से पत्रलेखा ने सारी जिम्मेदारियां उठा ली है, आपको भी समाज सेवा का वक्त मिलने लग गया है, हो कि नहीं? तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है? क्या? पूरनपोली। पूरनपोली? और स्कूल से आते वक्त पूरा डब्बा खाली आना चाहिए। थैंक यू मम्मा। मम्मा पता है सभी को पूरनपोली बहुत पसंद है। अच्छा, तो जब सभी आएगी ना तो मैं उसके लिए भी पूरनपोली बना दूँ, ठीक है? और बाबा बता रहे थे कि कल तुमने सभी से बात की थी, तो मुझे भी बुला लिया होता कि आखिर वो कौन है जिसकी मेरा वीनू इतनी तारीफ करता है। जब मैं सभी को शाम में फोन करूंगा ना तब मैं आपको बुला लूंगा। पक्का? पक्का। चलो ठीक है, अभी लेट हो रहा है ना, चलते हैं स्कूल में। अच्छा, गुड बॉय। मामा, आप स्लीपर्स तो पहन लो, आप क्या नंगे पांव बाहर जाओगे? हमारा विनायक भूल गया? गणपति बाप्पा के आगमन से लेकर विसर्जन तक आपकी मम्मा चप्पल नहीं पहनती। आप ऐसे क्यों करती हो मामा? तू लिखा वहीनी, एक बेटे को अपनी माँ की कितनी फिकर है। इस मामले में ना विनायक बिल्कुल विराट पे गया है। आई, आप जानती है ना कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ? विनू बेटा चलो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है ना, चलते हैं। आप बाय बोल दो सबको। बाय बाय आज समर। वन टू। विनायक नहीं जानता कि उसकी माँ ये सब क्यों कर रही है, लेकिन जब से विनायक पत्रलेखा की जिंदगी में आया है तब से पत्रलेखा ऐसा ही कर रही है। कोई भी माँ अपने बेटे को तकलीफ में नहीं देख सकती, वो बापा के आगमन से लेकर बापा के विसर्जन तक नंगे पैर ही रहती है। कितनी पूजा पाठ व्रत उपवास करती है सिर्फ अपने बेटे के लिए कि विनू ठीक हो जाए, खुद अपने पैरों पर चल फिर सके बिना किसी सहारे के। और जब वो अपनी उम्र के बच्चों को
मैदान में भागते दौड़ते खेलते देखे तो वो अपने आप को उनसे कम ना सोचे। न जाने बापा पत्र लेखा की प्रार्थना कब सुनेंगे। सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। पत्र लेखा की तपस्या और समर्पण देखकर बापा का भी मन पिघलेगा। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि पत्रलेखा और विराट की गृहस्थी ठीक हो जाए, मीनू ठीक हो जाए, उन दोनों का रिश्ता आगे बढ़े। विनायक जब भी बाहर स्कूल में कैंप में जाता है तो दूसरे बच्चों के साथ खेलता है, बातें करता है, हंसता है और घर में आकर चुप हो जाता है। उसे घर में भी कोई चाहिए। अरे हम बुड्ढों के साथ कब तक वो हंसेगा, बोलेगा, खेलेगा? उसकी उम्र का कोई इस घर में भी तो चाहिए। अय्या बहनी, कहीं आप वो तो नहीं कहने जा रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ अश्विनी, मैं वही कह रही हूँ। अब मीनू बार बार सभी सभी कह रहा है, अगर उसके भी अपनी कोई छोटी बहन होगी या छोटा भाई होगा तो उसे कितना अच्छा लगेगा। लेकिन विनी आपको क्या लगता है, मैंने विराट को समझाने की कोशिश नहीं की होगी? हर तरीके से मैंने उसे समझाया कि उसने पत्र लेखा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। अश्विनी अब कहने से नहीं करने से होगा। मंजे? लेकिन विनायक के बिना। एक मिनट, आपका मतलब है हनीमून? अब से हनीमून कहो या शुगर सन कहो नाम में क्या रखा है, बस उन दोनों को हम छुट्टी पर भेज देते हैं। रात दिन एक साथ अकेले गुजारेंगे तो कुछ तो बात आगे बढ़ेगी। और फिर पूरा दिन इस घर में हम सारी बुढ़िया घूमती रहती है, पत्र लेखा को तो टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हें बुढ़िया कहाँ? हाँ हेलो बहनी, आप बुढ़े हो सकते हो, मैं नहीं। हाँ दोनों बुद्धे से भटक रही हो। एक मिनट रुक जाओ। नहीं बहनी, आपकी आइडिया तो बुरी नहीं है, लेकिन विराट मानेगा क्या? अरे कैसे नहीं मानेगा, हम सब मिलकर मनाएंगे उसे। और ना हमें काम करते हैं कि विराट और पत्रलेखा के साथ हम मोहित और करिश्मा को भी भेज देते हैं। अब तो मोहित कमाने लग गया है ना वहनी, और इतने साल वर्ष इयर्स हो गए, देखिए ना उन्होंने अभी तो कोई खुशखबरी भी नहीं दी। प्लेटफॉर्म नंबर एक की गाड़ी जब प्लेटफॉर्म नंबर दो पर आती है तो प्रवासी भ्रमित हो जाते हैं। पर इसका मतलब क्या है? अरे जब बात अब पत्रलेखा और विराट की चल रही है तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं ना, अब दूसरों के बारे में हम बाद में सोचेंगे, ठीक है? वैसे एक तरफ से अच्छा ही कि काकू ने मना कर दिया, क्योंकि तुम तो मुझे आजकल एक कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ट्रिप तो बहुत दूर की बात है। वाओ, साली एक हाथ से नहीं बचती हूँ, आज तुम बहुत जिम्मेदार बन रही हो, दैट इज इट। लेकिन कल जब तुम्हारे पास काम नहीं था ना, तुम कुछ नहीं करते थे, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग दिखाई देती थी, तब मैं खड़ी रहती थी तुम्हारे साथ। और अब तो तुम इतने ज्यादा बिजी हो कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त है ही नहीं, क्योंकि अपना पूरा वक्त तो तुम अपनी पत्रलेखा वहिनी के सेक्रेटरी बन के और उनके आगे पीछे एक टांग पर राशने में बिता देती हो। तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारा हर पल इंतजार करती रहूंगी। मोहित, ओ काकू, विराट और पत्रलेखा की बाहर जाने की तैयारियां तू करेगा। दोनों बस मान जाए, कुछ ऐसा कीजिए पापा कि विराट और पत्रलेखा अपनी अतीत की यादों को भुलाकर जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करें।